आवाज आ रही है अंशुल? रही है। ये एक ऐसा नेटवर्क, एक रेजिस्टेंस का ऐसा नेटवर्क मैंने बनाया था। अब तो छुट्टी हो गई स्कूल में कि चल रही क्लास अभी? सर चल रही है कब छुट्टी होगी? 2 तारीख? शायद 30। हाँ, 2 तारीख, 2 तारीख। क्यों नहीं कर पाए क्वेश्चन तुम लोग? एक पॉइंट यहां पर है एम और एक पॉइंट यहां है एन। सर मुझे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा, फिर से क्लियर कर दीजिए। तुम एब्सेंट थे शायद ना। नहीं बीच में एब्सेंट भी रहा, लेकिन जिस जिस दिन पढ़ाऊं पढ़ाऊं बट कुछ देर बाद भूल जाता हूँ। अगर अलग क्वेश्चन आ गया तो नहीं हो पाता, नहीं इसका पाता तो मतलब ये ध्यान नहीं कि से। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ध्यान से सुनो, इसमें सारे रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है ना? इसके सारे रेजिस्टेंस इक्वल है पहली बात, ठीक है ना? जब भी तुम्हें किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना हो और तुम्हें ना तो पैरेलल में दिख रहा हो ना ही सीरीज में, तुम्हें देखो इसमें रेजिस्टेंस ना तो सीरीज में दिख रहा है ना पैरेलल में, तो क्लियर ना? बोलो अंशुल। क्लियर है। तो ये तो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में नहीं दिखे, तो क्या काम करना होता है कि जिन पॉइंट्स के बीच में तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है उन पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी लगा दो, वर्चुअल एक बैटरी, मान लो वी है, क्या है, वी वोल्ट की बैटरी लगा दिया करो। जब भी तुम्हें इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना हो और उस नेटवर्क में ना तो तुम्हें डायरेक्टली पैरेलल दिख रहा हो ना ही सीरीज दिख रहा हो, तो क्या करना है कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालने को बोला गया है उन 2 पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी अप्लाई कर दो। तो हमने कनेक्ट कर दिया। अब सोचो कि करंट अगर यहां से जाएगी, आई करंट जाएगी, तो आई करंट को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कितने रास्ते दिख रहे हैं बताओ सर जरा? तीन तीन 3 रास्ते दिख रहे हैं। इसमें सबसे आसान रास्ता कौन सा है? सबसे आसान रास्ता कौन सा है? अगर मैं एम से करंट को, अगर यहां से एन तक पहुंचना है तो सबसे आसान रास्ता कौन सा है? तीनों इक्वल। इक्वल कैसे है? यहां तक पहुंचना है ना। जैसे मान लो अगर करंट हाँ इधर जाती दो है तो इक्वल यहां इधर से एक। दो इक्वल है, एक अनइक्वल है। यस सर भाई अगर यहां से करंट आई तो ऐसे ऐसे करके यहां पहुंच गई, यहां से आएगी तो ऐसे पहुंच जाएगी, सबसे आसान रास्ता ये दोनों का है, और यहां जाएगी तब तो फंस जाएगी ना, यहां गई फिर बटी, फिर बटी बड़ा गड़बड़ सबड़ हो जाएगा। ऋतिका, ऋतिका ऐसा। ये समझ में आया जो मैं कह रहा हूं? यस सर मैंने कर लिया है। थ्री कितना आंसर आया? अपॉन फोर आर। ठीक है, चेक करते हैं। तो अच्छा मान लो इसमें करंट I1 है तो इसमें करंट कितनी होगी अंशुल? I2। I1 होगी। तुमने कहा दोनों बराबर हैं ये वाले रास्ते, तो अच्छा हाँ I1 बराबर है तब ठीक तो यहां भी I1 होगी ना। यस सर। अब जो बची कितनी करंट बच गई, जैसे I में से 2 I1 खर्च हो गई तो कितनी बच गई? यही तो। यस अरे ये करंट ऊपर जाएगी। अच्छा ये बताओ यहां से करंट कितनी आनी चाहिए, वापस कितनी आनी चाहिए? इन तीनों करंट का सम आई होना है, यस बोलो। सर यस सर तो जैसे अगर इधर से जाने वाला तुमने तुमने बात की है, वैसे आने वाली अगर बात की जाए तो यहां पर I1 करंट आनी चाहिए, यहां पर I1 आनी चाहिए उसी लॉजिक से, और यहां से I-2 I1 आनी चाहिए उसी लॉजिक। यस सर सोचो जैसे मान लो नेगेटिव करंट जा रही है, करंट आने का मतलब नेगेटिव करंट जाना, ये भी तो कहा जा सकता है। तो अगर -I इधर से मैं भेजता, -I मान लो, तो -I1 -I1 और माइनस ऑफ I-2 I1 डिस्ट्रीब्यूट होता वैसे ही जैसे कि इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। यस सर तो अब ये इतना कुछ आपको दिख रहा है। अब ये बताओ इस ब्रांच में कितनी करंट है, इस ब्रांच में, आई वन और इस ब्रांच में कितनी है? I1। I1
इसका मतलब ये करंट सारी की सारी इधर चलेगी, ये तो ऊपर नहीं गई कोई करंट। देखो जब आई वन यहाँ भी थी और आई वन यहाँ भी है, इसका तो करंट ऊपर नहीं गई ना। यस सर। तो इसका मतलब ये बेकार है। अगर किसी सर्किट में जैसे तुम तार अगर जोड़ दो, कोई वायरिंग कर दो घर में, और कनेक्शन करने के बाद भी उस रास्ते में कोई करंट नहीं जा रहे, तो हटा ही दो सर्किट से ना, क्या फायदा है। यस सर। तो मैंने हटा दिया। इस ब्रांच में कितनी करंट है, इस ब्रांच में आई वन, और इस ब्रांच में कितनी है आई वन। इसका मतलब ये करंट यहाँ नहीं, यहाँ देखो यहाँ नहीं डिवाइड होगी, तो ये भी हटा दो बस। अब तो पैरेलल सीरीज दिख गया। देखो ये दोनों किसमें है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है कि सीरीज में, जैसे ये सीरीज, तो ये 2R हो गया। yes. अरे सीरीज में सिंपली जोड़ देते हैं ना, तो दोनों को हटा करके मैं 2R बना दूं। यहाँ 2R, ये दोनों किसमें है, सीरीज, तो इन दोनों को हटा करके 2R बना दूं। यस सर। हाँ वो दोनों पैरेलल में होंगे। अब हाँ, अब ये दोनों किसमें हैं, सीरीज, इन दोनों को हटाकर मैं उसमें बना दूं, 2R बना दूं। ये दोनों किसमें हैं, सीरीज, 2R बना दूं, 2R। अब 2R और 2R का पैरेलल क्या होता है सर, 1/2R प्लस 1/2R, जोड़कर देखो क्या आएगा, 1/2R प्लस 1/2R बराबर 1/R डैश मान लो कह दो, तो 2/2R बराबर 1/R डैश, तो R डैश आ गया R, तो 2R 2R का पैरेलल में R आ जाएगा। नहीं समझे सर, R डैश, ठीक ठीक, तो 2R 2R को हटा दो और इनकी जगह R लिख दो, सिंगल R हो गया। यस सर। और ऐसे ही इस 2R, इस 2R को हटा दो और इन दोनों की जगह लिख दो R। अच्छा, अब ये R, ये R, ये R, ये तीनों सीरीज में है। यस सर। तो इन तीनों को हटाकर क्या लिख दिया जाए, 3R, 3R, 3R हो गया ये। अब हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों पैरेलल में है ना, 1/3R प्लस R। हाँ, अब बस आंसर आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/R, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू LCM 3R, R प्लस 3R, 1 प्लस 3, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/3R, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R/4। आंसर क्या आया इसका, आंसर इज 3R/4। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं बताओ, अर्जुन, देखो अर्जुन है क्या, नहीं सर, नहीं। तो ये ऐसे क्वेश्चन देखो, बाकी तुम्हारे जो सिलेबस में क्वेश्चन है वो तो बहुत फर्जी टाइप, मतलब बहुत लो लेवल के है ना, फर्जी तो नहीं कहूंगा मैं तो, मतलब काम के ही, लेकिन लो लेवल के क्वेश्चन है भाई। अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए दिमाग को अनलॉक करना है, जो तुम लोग का दिमाग, ब्रेन जो लॉक्ड है उसको अनलॉकिंग करनी है ना, उसके लिए अच्छे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो स्कूल में क्यों अच्छे क्वेश्चन, स्कूल ही पूरा सिस्टम ही ऐसे ही है। मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखी स्कूल के बारे में, मैंने लिखी है कि भाई बड़ा बहुत पैथेटिक सिचुएशन है, स्कूल में लर्निंग का कोई मतलब नहीं रह गया है ना, तो अच्छी बात सिखाएं, अच्छी बात। पहली बात तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे सारे स्कूल टीचर्स को एक बार कोचिंग करनी चाहिए, मैंडेटरी कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, कि नहीं, वो सीख जाएंगे ना क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। देखो टीचिंग के,
टीचर्स की कोचिंग होनी जरूरी है, एक बार सारे टीचर्स को कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। यस, ये मैंडेटरी होना चाहिए कि नहीं? देखो अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना है कि नहीं? नहीं। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे हम अभी, अगला क्वेश्चन, उसमें इसके कुछ कंसेप्ट्स आपको यूज करने होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है क्वाड्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर टू हो, मैक्सिमम पावर। तो अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। समझ गए कि नहीं? समझ। बोलो रितिका। इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये इसमें ए बी सी तीनों कॉन्स्टेंट्स है, ए बी और सी आर कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म है ना, कॉन्स्टेंट, ठीक है ना? क्या कंडीशन होनी चाहिए? लेकिन बी बी जीरो हो सकता है लेकिन ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये है कि ए जीरो नहीं हो सकता, ए बी सी तीन नंबर्स हैं, वो कुछ बी और सी तो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन ए क्या नहीं हो सकता? जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो जाएगा, तब तो लीनियर बचेगा ना। यस सर। तो अगर हमें इसको जिंदा रखना है, इस टर्म को, एक्स स्क्वायर को खत्म नहीं होने देना है, दिस मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। यस सर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, है ना? सर मतलब इसमें बस पावर टू। हाँ, जो इसमें वेरिएबल, इसमें पहले वाले इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? एक्स है ना वेरिएबल, और ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यस सर। इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स की पावर यहां पर 1 है, और यहां पर एक्स की पावर 1 है, और यहां पर एक्स की पावर 2 है। तो पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अगर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। नहीं समझे बात? नहीं समझे? हेलो, समझ गए। और इक्वेशन क्यों है ये? क्योंकि तो इक्वल का साइन है। हा? अगर ऐसे लिखा होता ऐसे तो ये इक्वेशन नहीं होता। ये क्या लिखा है? ये क्या है? इन इक्वेशन। ये क्या है? इन इक्वेशन। ये इक्वेशन है क्योंकि यहां पर क्या है? इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें इज इक्वल टू में एक बार मुझे मार पड़ी थी जब मैं फिफ्थ क्लास में था। जानते हो क्यों मार पड़ी थी? मेरे पिताजी भी टीचर थे तो उन्होंने मुझे मारा था। इक्वल का साइन मैं इक्वल नहीं बनाता था, ऐसे बनाता था। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम है इक्वल और ये आपस में ही इक्वल नहीं। नहीं समझे? समझे। तो ये सिंबल जो है ना, वो कई बार बच्चे इसको जल्दीबाजी में अनइक्वल बना देते हैं। तो ये दोनों इक्वल के साइन आपस में इक्वल होने चाहिए, नहीं तो बहुत फर्जीवाड़ा है कि नहीं? तो ये इन इक्वेशन है। अगर इक्वल टू लिखा है तो इक्वेशन है, ऐसा बात समझो। अब जैसे ये इक्वेशन है, अब इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इफ आई से फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? फाइंड सर x के वैल्यू निकालनी। सॉल्यूशन रूट्स ना, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
चाहे वॉल्यूम वैल्यू निकालना बोलो या रूट्स निकालना को, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी इसमें? सर वन। नहीं, वन क्यों आएगी? सर माइनस वन उधर चला जाएगा ना। क्यों रितिका, कितनी आएगी? ये एक्स की वैल्यू क्या रखा जाए कि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए? हेलो सर, वन ही होगा। अरे वन क्या होगा, हाफ? इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी? देखो इधर, इसको पहले फैक्टराइज कर लो। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। कभी उधर मत ले जाना तुम। यस सर। क्या नाम है उसका, अंशुल? यस। अगर ये वन ले जाओगे तो इस वाले केस में अभी क्या ले जाओगे, उधर फोर ले जाओगे। फैक्टराइज करो इसको जो इधर लिखा हुआ है टर्म। नहीं समझे? तो अगर दो चीजों का गुणा इक्वल जीरो के इक्वल है, अगर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन जीरो को इक्वल है, तो वो दोनों जीरो हो सकते हैं। यस सर। तो अगर एक्स माइनस वन को जीरो किया जाए तो इसका सोल्यूशन आएगा एक्स इज इक्वल टू वन, और अगर एक्स प्लस वन को जीरो किया जाए तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन। तो ये दोनों हुए ना आंसर। सर मेरा भी तो सही हुआ आंसर। तुमने वन कहा था, वन भी तो आया। नहीं, वन ही तो नहीं आया ना। नहीं समझे? वन भी तो आया लेकिन वन ही तो नहीं आया। ठीक है सर, मतलब ही मतलब कि मेथड गलत। हाँ, इसमें ये नहीं कि मेथड गलत था लेकिन आंसर सही था। तुमने वन नहीं, तुमने वन ही कहा था। इसके दो सॉल्यूशंस होंगे ना। तुम्हारा आधा आंसर सही था तो क्वेश्चन तो गलत हुआ ना, आधा अगर सही है तो। यस। जैसे एक मान लो तुम आईआईटी में चले गए और इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर मान लो, और तुमसे कहा गया कि भाई एक फ्लाईओवर बनाना है और तुमने आधा सही बनाया, तो चलेगा ऐसा? नहीं सर। आधा सही था तो इधर से ट्रैफिक गई और आगे गिर गई नीचे खड्ड में, आधा गड़बड़ था। तो आधा आधा सही है तो गलत माना जाएगा ना, इसलिए सही तरीका सीखो। लेकिन अच्छा अटेम्प्ट है तुम्हारा, प्रयास सराहनीय है ना। कुडोज टू योर एफर्ट्स। नाउ सिमिलरली व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, बताओ। अब बताओ कौन बताएगा? अब बताओ। सर माइनस नहीं, अब बोलो। कौन बताएगा? अब बोलो। सर इसका नहीं है। है? और कोई बताएगा? अर्जुन, अर्जुन सर मुझे समझ में नहीं आया। क्या यही? तुम कहाँ गायब हो गए थे बीच में? वो सर कोई आ गया था इसलिए गायब। तो ये बताना है ना कि समझ में कैसे आएगा जब बीच में कोई आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूं? सर माइनस वन अपॉन टू। माइनस वन बाई टू अगर एक्स की जगह रखूंगा तो वन बाई फोर प्लस वन जीरो कैसे होगा? सर सर माइनस वन रखना है, माइनस वन रख दीजिए। तो अगर मैं एक्स की जगह माइनस वन रख दूं, सुनो तो इसकी अर्जुन की बात सुन लेते हैं। अगर एक्स की जगह माइनस वन रखा जाए तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है अर्जुन? माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। तो प्लस वन और प्लस वन जीरो होता है। अरे
तब तो गलत हो गया, फिर बताओ और क्या कह रहे थे तो? क्या बोल रहे थे अंशुल? सर मेरा कुछ नहीं, नजर नहीं आ रहा। ऋतिका? अंशुल का कह रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है ना, क्यों अंशुल? सर पॉसिबल ही नहीं है। वेरी गुड, इसी ये यही सही सोल्यूशन है, इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन। मैं भी ये कहने वाला था। हाँ तो कहने वाले थे ना, कह देते तो बगल में कौन खड़ा है जो। हाँ मैं सोचा गलत कैसे हो सकता है। नहीं, सही है बिल्कुल, तुम बहुत सही सोचते हो, तुम्हें कह देना होता है बस, ठीक है? तुम ओरिजिनल बात सोचते हो, बिल्कुल असली बात, तो तुम सिर्फ बोल दिया करो तो सही हो जाने के चांसेस रहते हैं। अब इसका लॉजिक समझो, ऐसा कैसे कह रहा हूं मैं। अच्छा ये बताओ, ये चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव? किसी का स्क्वायर है तो किसी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, और वन भी पॉजिटिव है ना, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो हो सकता है क्या? नहीं सर, जीरो नहीं। इसीलिए इसका अगर कोई पूछे कि बताओ क्या सॉल्यूशन है, तो क्या कहना है? सर सर वो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, वास्तव में कोई सॉल्यूशन नहीं। वास्तव में कोई सॉल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे कोई अगर कल्पना करे, इमेजिनेशन हो सकता है। सर अगर माइनस वन अपॉन टू रखा जाए। हाँ तो वन बाई फोर आ जाएगा, जैसे एक्स की जगह अगर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर रखूं और प्लस वन करूं तो क्या आएगा? माइनस वन बाई टू का स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, हाँ सोचो, वन बाई फोर। वन बाई फोर में वन ऐड करेंगे तो कितना आएगा? फाइव बाई फोर आएगा, कहाँ जीरो आया? हाँ सर। तो जब ये बात हो गई कि सॉल्यूशन नहीं होगा, तो अब सोचने की जरूरत नहीं है, लॉजिक बता तो दिया कि किसी पॉजिटिव नंबर में दूसरा पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो वो जीरो थोड़े हो सकता है। इसका नो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो तो एक तरीका सीख लेते हैं, मेथड। ये सब तुक्केबाजी करने से अच्छा ये है कि मैं एक असली मेथड पता करने कि भाई कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, समझ गए? तो अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और तुमसे कहा जाए कि इसका सॉल्यूशन निकालो, तो सबसे पहले काम करना है, क्या काम करना है? b का स्क्वायर करो और माइनस फोर ए सी, ये वैल्यू निकालो। x का कोफिशियंट जो है ना, उसका स्क्वायर करो, माइनस फोर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इंटू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, ये c जो है, ये सारे कॉन्स्टेंट है, c से मल्टीप्लाई करो। ये जो होता है इसको कैपिटल D से लिखते हैं और इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। सर फिर से बता दो, डिस्क्रिमिनेंट। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन दे और कहे सॉल्यूशन निकालो, तो क्या करना है? पहले ये चीज कैलकुलेट करनी है। ये क्या है? एक्स का जो कोफिशियंट है बी स्क्वायर, भाई एक्स के सामने कुछ लिखा होगा, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ लिखा होगा और यहाँ पर कोई टर्म लिखा होगा। यस सर। तो बी का स्क्वायर करो और ए सी के फोर टाइम्स को सबट्रैक्ट कर दो उसमें से। AC के फोर टाइम्स को A और C को मल्टीप्लाई करो और उसका फोर टाइम्स कर दो। ठीक है सर, समझ गए। तो जो आएगा उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। यस सर। अगर ये, अगर जो आए ये जीरो या जीरो से ज्यादा हो ना, तभी सॉल्यूशन आ सकता है, देन ओनली वी विल हैव रियल सॉल्यूशन। यस सर। ये पहले चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो अब ये वाली बात आई, मान लो इस इक्वेशन वाली बात, नहीं समझे बात मेरी? समझ। जैसे मान लो इस इक्वेशन की बात मैं यहां से लाता हूं, तो ये इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है ना।
इसको अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो a के जगह क्या लिखा है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, और x का टर्म ही नहीं है इसमें, इसका मतलब b 0 है और c की जगह 1 है, ये बात समझे कि नहीं? यस सर। तो अगर अब इसका निकाला जाए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है 0 माइनस 4, a है 1, c है 1, ये क्या लिखा हुआ है, ये माइनस 4 तो लिखा हुआ है। यस सर। तो जो d आया वो पॉजिटिव या 0 नहीं आया ना, नेगेटिव आ गया। यस। तो अगर नेगेटिव आ जाए तब हम कहेंगे कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन रियल, नो रियल सोल्यूशन। बताओ कोई डाउट हो यहां तक तो? नहीं समझे। अब जैसे इसकी बात करते हैं, इस इक्वेशन का मुझे बताओ जरा बच्चे, इस इक्वेशन का सोल्यूशन रियल होगा कि रियल नहीं होगा? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसमें b कितना है, b माइनस 3, माइनस a कितना है, 2, c कितना है, 4, 4। जरा जरा चेक करो कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा? अर्जुन क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac? बहुत गलत है सर, एक मिनट, b स्क्वायर माइनस 4ac बहुत गलत आ रहा है। अरे कुछ आ रहा होगा ना गलत, सही तो आप बाद में डिसाइड करें, गलत कैसे पूछी जा सकती है। कितना आया b स्क्वायर, 9, 9 माइनस 32 माइनस 23 आना चाहिए, कितना आ रहा? यस सर, माइनस 23। तो माइनस 23 आ गया ना, तो इस इक्वेशन का भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तुम इसमें x की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे चाहे जितना काम कर लो। यस सर। मेरी बात समझे कि नहीं? समझ गए। तुम बताओ अर्जुन, अर्जुन हाँ बताओ। अर्जुन बोलो। यस सर। अरे बोलो यार, जो मैंने पूछा है क्या सर? ये सारा रिकॉर्डिंग उस पे मैं करता हूँ, है ना, जब पापा भी देखते हैं तुम्हारे। मैंने क्या पूछा था ये बताओ सर। वो 23 आंसर आया था उसका। 23 कैसे आएगा भाई? माइनस 23। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो माइनस 23 अगर आ गया, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? सर होगा। अरे पॉजिटिव नहीं होगा, नहीं होगा। डी पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, ठीक है ना? तो इस इक्वेशन का किसका, किस इक्वेशन का, किस इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूं बताओ, किस इक्वेशन की बात कर रहा हूं सर? इस वाली की। हाँ कौन सा, क्या लिखूं, इस वाला मतलब कौन सी इक्वेशन, क्या इक्वेशन थी? 3 हाँ स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस प्लस अरे का माइनस 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 क्या था भाई बता दो कोई, अंशुल क्या क्वेश्चन था? सर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये था ना? कैसी बात कर रहे भाई, अर्जुन कहाँ हो, ये इक्वेशन था।
तो इसका सोल्यूशन क्या आया? नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन। अंशुल यस सर, अब बताओ जरा कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं इस इक्वेशन का? इसमें ए कितना है? ए सर वन, वन है। बी कितना है? माइनस फाइव। और सी कितना है? सिक्स। तो जरा बी का स्क्वायर करके फोर ए सी घटाओ, देखो क्या आ रहा है। सर हो जाएगा सर, वन आंसर आएगा। 25 माइनस 24 ना, वन। yes, ये पॉजिटिव है इसलिए इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी एक क्वेश्चन में कराऊंगा जिस क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगी, तो वहां कर ही नहीं पाते इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। अदरवाइज आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब भाई इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? ये तो पता चल गया है कि इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन निकालने का एक तरीका होता है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने का फॉर्मूला है, हालांकि इसका डेरिवेशन भी है जो मैथ्स में तुम लोग पढ़ोगे। नहीं समझे? समझ गए। अब इसी फॉर्मूले को याद करके अगर मैं कॉपी करूं और यहां पर लिखना शुरू करूं तो माइनस ऑफ बी, बी कितना था? फाइव। तो माइनस ऑफ माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी बाई टू ए। एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस माइनस, ये अंदर रूट, ये नहीं, अंदर वन हो जाएगा तो वन का अंडर रूट वन डिवाइड बाई टू। एक बार प्लस ले लेते हैं तो प्लस लेंगे तो एक्स प्लस वन बाई टू, तो सिक्स बाई टू इज थ्री। और दूसरा three. और दूसरा जो आएगा ना उसमें फाइव माइनस वन, इसका मतलब इस इक्वेशन में एक्स की जगह थ्री रखो तब भी वो जीरो हो जाएगा, और एक्स की जगह टू रखो तब भी ये जीरो हो जाएगा। yes. तो दीज वैल्यूज ऑफ एक्स दैट इज थ्री एंड टू आर कॉल्ड एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको रूट्स कहते हैं। यस सर बोलो। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, इसे क्यों पढ़े हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इक्वेशन ही क्यों पढ़े? इक्वेशन अपनी बात को कहने का मैथमेटिकल तरीका है। बाय राइटिंग इक्वेशंस यू कैन मेक अ कंप्यूटर टू लर्न योर लैंग्वेज। While writing an algorithm, we use these equations, mathematical expressions, because a robot or a computer understands the only language of mathematics. क्यों? वो mathematics की language को ही समझता है ना, तो उसको समझाने के लिए ये algebraic expressions तैयार किए गए हैं। Gradually तुम्हें पता चलेगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना उसके बेसिस में यही नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे एआई को और स्ट्रेंथन किया जा सका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो नंबर सिस्टम की जरूरत होती है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई इसका यूज फिजिक्स में क्या है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अंशुल? अब देखना चाहे इसको हम यूज करते हैं फिजिक्स में, इसका यूज क्या है ये ध्यान रखना है। अच्छा उसके पहले जरा ये मुझे एक ये क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? फाइंड वैल्यू ऑफ x। सर इक्वेशन पढ़ दीजिए, क्लियर नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। Any answer? Let's see who responds first. जल्दी बोलो। कर रहे सर। अरे यार इतना कैसे टाइम लग जाएगा, तुम लोग बहुत तेज काम करने वाले बच्चे हो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, उसका तो माइनस थ्री आएगा, तब तो इसका सोल्यूशन ही नहीं होगा। नो सोल्यूशन ना, नो सोल्यूशन। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट चेक किया? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी पहले चेक किया कि नहीं? यस सर किया, माइनस थ्री। बी स्क्वायर मतलब माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सी, ये माइनस थ्री आ गया ना, तो माइनस थ्री तो लेस देन जीरो है, तो डी को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तभी तो सोल्यूशन है। यस सर। तो ये जो मैंने आज पढ़ाया है इस, हाँ क्या हुआ अर्जुन? नो सोल्यूशन सर इसका, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो सो नाउ अब एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई करके तुम्हें बताना है इसमें जो आज मैंने पढ़ाया उसका यूज है। क्वेश्चन देखो क्या है कि एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है, 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 एक रेजिस्टेंस। दिमाग का क्वेश्चन है, दिमाग को एनरिच कराने वाला ये क्वेश्चन है, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज कराने वाला क्वेश्चन। सर ये घर पे करना है? अरे बाहर भी कर सकते हो, जैसे है ना तुम क्रिकेट खेल रहे हो वही भी कर सकते हो। हाँ सर ठीक है। तो मान लो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, हर रेजिस्टेंस 2 ओम्स का है। कहाँ तक चला गया है? इनफाइनाइट तक। बढ़ते बढ़ते ऐसे ये खत्म नहीं हो रहा है आगे।